हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि 3ds मैक्स में इस टाइप की पैरामेट्रिक वॉल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्रिक की वॉल है, कहीं पे बीच में स्पेस है कोई, आपका देख सकते हो, यहाँ पे टिल्ट है आपकी और यहाँ पे बीच में स्पेस है आपका। अगर आप इस तरीके की पैरामेट्रिक वॉल क्रिएट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप वो कर सकते हो, तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं इसको रिसेट कर लेता हूं एक बार। रिसेट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले मेरे को फ्रंट में जाना है और फ्रंट में जाने के बाद मैं एक प्लेन ले लेता हूं। ठीक है, प्लेन का साइज मैं यहां पे कर लेता हूं, लेंथ भी 10 फीट कर लेता हूं और विड्थ भी 10 फीट कर लेता हूं। और जो सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे अप्रोक्स 30 एंड विड्थ सेगमेंट कर लेता हूँ 20। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पे एक वॉल बन जाने वाली है। इसको करने के लिए अब मेरे को क्या करना है, बस ये आपको स्टेप नोट करने हैं कि स्टेप टू स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज आपको ध्यान देना है। तो इसको करने के बाद मेरे पास एक रिबन बटन यहाँ पे होना जरूरी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली विद द एज, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद अगर ये आपके पास रिबन बटन नहीं है तो राइट क्लिक करके यहाँ से रिबन बटन को ऑन कर लो और पॉलीगन मॉडलिंग में जाके आप यहाँ पे जनरेट टोपोलॉजी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्रिक का, आप इस पे क्लिक करो तो आप देखोगे ये डिजाइन आपका ब्रिक का बन गया है। बस इतना सा काम है रिबन का, इसको ऑफ कर दो। उसके बाद फ्रंट पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो, एंगल स्नैप ऑन करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे 90 डिग्री आप डाल सकते हो और मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करने वाला हूँ। तो आप देखोगे इस तरीके की ब्रिक आ गई और अब आप इसे हल्का सा स्केल कर सकते हो ताकि ये ब्रिक का डिजाइन आपको इजिली नजर आए। सिंपल सा रूल है, सिंपल ये करना है। ये करने के बाद सिंपली क्या करना है, सभी ब्रिक्स को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए एक पॉलीगन से एक ब्रिक को सिलेक्ट किया और आप कंट्रोल ए कर दो टू सिलेक्ट ऑल और फ्रंट पे जाके राइट क्लिक करो और आप इनसेट पे क्लिक करो। इनसेट करोगे, इनसेट करो बाई पॉलीगन ताकि इंडिविजुअल पॉलीगन अलग हो और इसकी वैल्यू बिल्कुल कम कर दो ताकि मेरे पास ये ब्रिक्स इस तरीके से इंडिविजुअल आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हो एंड ओके कर दो। ओके करने के बाद ये सारी ब्रिक्स यहाँ पे अलग अलग हो गई हैं। अब आप इन सबको सिलेक्ट करके ऐसे ही सिलेक्ट रहने दो और आप इन सभी ब्रिक्स को डी अटैच कर दो। डी अटैच के लिए आप नीचे आओ, यहाँ पे मिलेगा आपको डी अटैच, क्लिक करो और डिटैच करो, डिटैच एज ऑब्जेक्ट कर दो। ओके ओके करने के बाद आप इसको मूव करोगे तो आप देखोगे ये ब्रिक्स आपकी अलग हैं और ये आपका पार्ट अलग हो गया, आप इसको डिलीट कर दो, किसी काम का नहीं। ठीक है, अब फिर आप इसे बाई पॉलीगन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आप इसे एक्सट्रूड कर दो। कितना एक्सट्रूड करना है वो आप 2-3 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। और इतना करने के बाद अब आप इसे ओके करो। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतने पार्ट को, जैसे ये वाला आपका पार्ट हो गया, ठीक है, इसकी मैं दो कॉपी कर लेता हूँ, एक कॉपी एंड दो कॉपी। ठीक है, इस वाली कॉपी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो इंडिविजुअल एंटिटी रोटेट होंगी, एंगल स्नैप ऑफ किया और अब आप इसे रोटेट करोगे तो आप देखोगे आपकी ब्रिक इस तरीके से रोटेट हो रही है। आपको ये जितना भी रखना है कि मैक्सिमम मेरे को कितना करना है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों पे अप्लाई करके स्केल और रोटेट, इसकी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे ताकि ये पैरामेट्रिक बन जाए, कि इसके पैरामीटर से ही हम ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, तो देखते जाओ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इसके अंदर ये रोटेशन दी और इसको सिलेक्ट करके मैंने सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए और इसके अंदर स्केलिंग कर दी, बीच से सिलेक्ट करके बीच में स्केल की, मैंने इतना स्केल कर दिया कि इसमें ये ब्रिक आ गई। अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, बट हमारा मोटिव है पैरामेट्रिक बनाना। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, आप इस पे क्लिक करो, इस वाली वॉल पे मॉडिफायर लिस्ट पे जाओ और यहाँ पे हम लगाएंगे मॉर्फर, यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉर्फर करके, क्लिक ऑन मॉर्फर। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, ये काफी सारे ऑप्शन है, काफी सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो और भी आप एडिटिंग कर सकते हो और भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी पे गया और नीचे अगर आओगे यहाँ पे पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीन क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो और
और इसका नाम कर दो, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे वन मैंने कर दिया इसका नाम, एंड सेकंड पे क्लिक किया, पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीन, इस पे सीन कर दिया और इसका नाम कर दिया ओबीजे टू। अब मेरे पास बेसिकली ओबीजे वन एंड ओबीजे टू आ गया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, अब ये पैरामेट्रिक वॉल बन गई है। कैसे, अगर मैं ओबीजे वन को क्लिक करता हूं वो तो रोटेशन करेगा, जितनी रोटेशन इसके अंदर दी थी उतनी ही रोटेशन इसके अंदर आएंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 100% पे उतनी रोटेशन आएगी। अगर आप इसको बिल्कुल और रोटेट कर देते तो इसके अंदर वो रोटेशन आ जाती, तो आप इस पे क्लिक करो तो आप रोटेशन दे सकते हो, और आप ऑब्जेक्ट टू पे क्लिक करोगे तो इसको स्केलिंग कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से एक ही उसके अंदर आप स्केलिंग और रोटेशन दोनों डाल सकते हो। ये हो गया पैरामेट्रिक। इसको और भी एडवांस करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे को ये कहीं कहीं पे चाहिए इफेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसकी भी एक दो कॉपी। मान लो इसके ऊपर जो मेरे को इफेक्ट चाहिए कहीं कहीं पॉइंट्स में चाहिए, उसके लिए क्या करना है, एडिट पॉली पे क्लिक करो, इसकी एडिट पॉली पे एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉफ्ट सिलेक्शन, इसको यूज सॉफ्ट सिलेक्शन करो और इसको फॉल ऑफ को बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि जितने एरिया में सॉफ्ट सिलेक्शन का इफेक्ट आएगा उतने ही एरिया में आपका मॉर्फर का इफेक्ट आएगा। मान लो मैं रोटेट नहीं करना चाहता, स्केल करना चाहता हूँ, देखो इतने ही पार्ट पे आपका ये इफेक्ट आ गया। और अच्छे से देखने के लिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ ताकि ये इस तरीके से ब्रिक का ऑप्शन दिखे आपको। ये देखो मान लो मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, तो एडिट पॉली पे जाओ, कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी कर लो, और फॉल ऑफ को और बढ़ा सकते हो। जितना आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे आपका इफेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इफेक्ट आ गया। मान लो इस पे मैंने क्लिक किया, एडिट पॉली पे गया, फ्रंट पे क्लिक किया, इस पे वर्टेक्स लिया, और मान लो मैंने ये वाले वर्टेक्स ले लिए, इधर से फिफ्थ लाइन और इधर से भी मैंने फिफ्थ लाइन, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन कर दिया। अब ये दो लाइंस आ गई मेरे पास। अब अगर मैं मॉर्फर पे जाता हूं तो मेरे पास ये इफेक्ट जो है वो उसी पोर्शन में आएगा जिस पोर्शन में बेसिकली मैं कर रहा हूं इसे। तो अब आप देखोगे इस तरीके से आपका इफेक्ट आ गया। ठीक है, आप इसे अपने तरीके कम ज्यादा कर सकते हो कि रोटेशन मेरे को थोड़ी कम चाहिए, स्केलिंग मेरे को चाहिए, तो इस तरीके से आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इस पे मान लो मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने एडिट पॉली पे वर्टेक्स लिया और फ्रंट पे जाके मैंने बीच बीच वाले को कर लिया, सॉफ्ट सिलेक्शन लिया, जितना मैं सॉफ्ट सिलेक्शन लूंगा उतना इफेक्ट वो बढ़ता चला जाएगा। मॉर्फर पे जाके अब मैं अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो आप देखोगे वो प्रॉपर्टी इतनी ब्रिक पे लग गया। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक वॉल्स को क्रिएट कर सकते हो। ये तो आप समझिए सब सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो, इस तरीके से आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। आप इसको दोबारा से स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हो, बट इसका इफेक्ट अब इस पे नहीं पड़ेगा इतना। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे करके इस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी ले चुका है उतने इफेक्ट को। तो इस तरीके से भी आप ब्रिक्स को लगा सकते हो, पैरामेट्रिक वॉल को क्रिएट कर सकते हो, और किस टाइप के आपको पैरामेट्रिक चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हो। मैं आगे वाली वीडियो में उसको भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।